पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुरुकाल ने खोला डायनासोर लोक में आने और जाने का रास्ता, और डायनासोर लोक में पहुंचा हमारा घर मम्मी पापा दादी और मामा के साथ। हम भी उधर जाने ही वाले थे कि एक विशाल डायनासोर ने हमला किया सूरजपुर पर, और हमने उसका ध्यान बताया लेकिन उसने हम पर ही हमला कर दिया। अब देखिए आगे। डायनासोर लोक में मिलते हैं, इसका मतलब कहीं हमारे घर वाले भी इस पोर्टल के जरिए डायनासोर लोक में तो नहीं फंस गए। डायनासोर जिंदा है, उससे पहले हमें घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। चलो बाहर जाए तो फिर कैसे जाए, दरवाजे के बाहर ही डायनासोर खड़ा है। अचानक सब कुछ शांत कैसे हो गया? परिवार को बचाने के लिए डायनासोर लोक में जाना होगा। चलो जल्दी। ओए, ये क्या? अभी वहाँ पे कौन कर रहा है? सही तो मैं भी जानना चाहता हूँ दोस्तों, ये सब आखिर कौन रहा है? जो इसके नीचे सामने हो। जो कहना मुझे देखकर, गुरु काल को मारना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। डायनासोर लोक के जादुई द्वार को खोलने की ये मेरी चाल थी। लेकिन पिछली बार हम लोगों ने जो डायनासोर लोक में कवच लगाया था जिसे कोई भी नहीं बेच सकता और कोई भी मार नहीं आ सकता, तो फिर ये सब कैसे? हाँ बनाया था
ये सब मेरे आका गुरु घंटाल की शक्तियों का कमाल है। तुम्हारे कवच को बिना तोड़े धरती लोग से डायनासोर लोग के बीच में एक जादुई द्वार बना दिया और तुम्हारा कवच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरा सोचो, सोचो अगर इस जादुई द्वार से डायनासोर लोग से सारे डायनासोर सूरजपुर में आ जाओ तो क्या होगा? देखना चाहते हो? तबाहियों की तबाही। परिवार को सुरक्षित बुला सकते हो वापस और इस जादुई द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। जल्दी बताओ हम ये कैसे कर सकते हैं? देखो इस रस को डायनासोर लोग के आकाश में फैला दो, जादुई द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसके बदले तुम्हें मेरी मायावी चाबी चाहिए होगी। सही कहा ना मैंने? कितने समझदार हो तुम, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती। एक छोटी सी चाबी के बदले तुम्हारा अपना परिवार और सूरजपुर के लोग सारे सुरक्षित रह जाएंगे। सौदा बुरा नहीं है। भन्नाट किस्मत है, बच गए। अरे बच नहीं गए बेवकूफ, मर गए। वो देख, वो तो वापस इधर ही आ रहा है। माँ, माँ, अब आपका जादू ही हमें बचा सकता है। जो करना है उल्टा सीधा जल्दी कीजिए। फिलहाल तो हम बच गए लेकिन वापस घर नहीं जा सकते। क्यों? हमें डायनासोर की दुनिया से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। माँ चलो। मेरा एक रूप बच्चा। ये धोखा है, धोखा। पहले तुमने धोखा देके
अपनी परछाई बनाई और मैंने मेरी परछाई बना के तुम्हें धोखा दिया। तुम सब बनोगे, सब बनोगे, तुम्हारा परिवार भी बनेगा और सूरजपुर के लोग होंगे बर्बाद। जल्दी कुछ कर, वो हमें मार देगा। डर मत विशु, हम सबको कुछ नहीं होगा। पापा का ये सरप्राइज गिफ्ट तो याद है ना? ये महागुरु द्वारा अभिमंत्रित सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच, लेकिन इसकी एक खास बात है, तुम लोग जहां कहीं भी होगे, अभी ये मंत्र पढ़कर इसे अपने पास बुला सकता है। आर्य बाण जीते विशु की रक्षा। मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। शैतान! जल्दी करना, इतना टाइम क्यों लगा रहे? हाँ बहुत जल्दी जल्दी कवच का मंत्र बोलो। ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा। दोस्तों अब इस कवच को खुलकाय क्या कोई भी नहीं बेच सकता, अब हम इसके अंदर सुरक्षित है। असंभव, इन पर मेरी शक्तियों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों अब हम इस कवच को अपनी ढाल बना के अपने परिवार को बचाने के लिए डायनासोर लोक में जाएंगे। थोड़ा सा नर्वस हूँ। घबराओ मत दोस्तों, क्योंकि इस बार हमारे पास महागुरु का नहीं सुरक्षा का वजह, जिसे गुरु काल भी नहीं भेज सकते, और फिर हमारे पास वो जादुई रश्मि है जिससे हम इस पोर्टल को बंद कर सकते। बस एक बार हम अपने घर वालों को यहाँ से बचा लें, फिर हम लोग ना उस जादुई रस का इस्तेमाल करके इस पोर्टल को बंद कर देंगे और डायनासोर वापस नहीं आएंगे। गुरुकाल ले आए मायावी चाबी, मूर्ख नालायक, तुम फिर बच्चों से हार कर आ गए, इतना भी नहीं कर पाए। मेरे आका, अब मुझ पर चिल्लाने से क्या फायदा? बच्चे डायनासोर लोक से वापस आने से पहले मायावी चाबी हासिल करने का नया रास्ता ढूंढना होगा। नालायक, यही फर्क है गुरुकाल और गुरु घंटाल में। गुरुकाल को जब प्यास लगती है तब कुआं खोदता है, और गुरु घंटाल के पास एक नहीं हजार रास्ते पहले से तैयार होते हैं। गुरु घंटाल, मेरे आका, इससे क्या होगा? इससे डायनासोर लोग के डायनासोर और भी खतरनाक और मायावी हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? मैल बुद्धि, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है तुम्हें सब कुछ। महागुरु की सुरक्षा कवच के कारण तुम बच्चों पर वार नहीं कर सकते। ये मायावी आग का गोला डायनासोर्स को मायावी शक्तियां देगा। मायावी डायनासोर्स महागुरु के कवच को नष्ट कर देंगे, और कवच के नष्ट होते ही तुम रुद्र के रक्षक पर जब चाहो तब प्रहार कर सकते हो। समझ गए या और समझाऊं? नहीं नहीं मेरा आका, मैं सब कुछ समझ गया। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, पक्का निराश नहीं करूंगा। जय शैतान।
डायनासोर लोग पे कदम कदम पर खतरा होता ही रहता है। हाँ, और पिछली बार छोटू की अम्मी ने हमारी मदद की, याद है? इसीलिए हम बच गए थे। छोटू, छोटू की मम्मी, आपका थैंक यू। क्यों ना हम इस बार भी छोटू की मम्मी की मदद ले ले। हाँ मैं, और वैसे भी छोटू की अम्मी को इस पूरे डायनासोर लोग के बारे में बताओगा। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? तुझे कुछ याद भी रहता है क्या खाली के अलावा? भूल गया, पिछली बार अपने डायनासोर लोग से निकलने से पहले छोटू को एक सितारे वाली फ्रेंची बर्ड पहनाई थी। चलो पुकार के देखते छोटू को और हमारे परिवार को भी, क्या पता कोई हमारी आवाज पहले सुन ले। छोटू, छोटू, बाबा, छोटू, बाबा जी, छोटू, हाँ सुनो। देखो ना, ये शादी का जोड़ा तो खराब हो गया। शादी कैसी होगी ना हमारी? क्योंकि मैंने ऐसे ही तीन जोड़े और भी सिलवाए हैं। हाँ? हमारी शादी तो कोई नहीं रोक सकता। गुरु का कवच पाकर रुद्र के रक्षक अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं ना? बस कुछ ही पलों में वो भाग्य दुर्भाग्य बन जाएगा। गुरु घंटाल के जादू के सामने महागुरु का कवच चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। जय घंटाल की जादुई शक्ति का असर उन बच्चों पे या उनके परिवार पर नहीं होगा, सिर्फ डायनोसर्स पे होगा। और वो डायनोसर्स आसानी से महागुरु का कवच नष्ट कर देंगे। लेकिन इन्होंने हमारी आवाज ही नहीं सुनी। इनको हमारी आवाज जा भी रही है या नहीं? विशु, हिम्मत मत हार, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। पीछे पहले तो एक था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? पता नहीं बॉस, लेकिन पिछली बार हम लोग नॉर्मल डायनासोर से लड़े थे तो वही कितना मारे पड़ गए। अगर अगर डायनासोर साथ हो गए तो तब पूरे पड़ गए, अब क्या करेंगे? मैं वो महागुरु के लिए सुरक्षा कवच इस्तेमाल करके देखता हूँ। जल्दी अब हम क्या करें? ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे?